फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं फ्रूट कस्टर्ड। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और झट से बनकर तैयार हो जाती है और बड़े से लेकर बच्चे तक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप ट्राई जरूर करें, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून लिया है कस्टर्ड पाउडर। ये होममेड कस्टर्ड पाउडर है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसे जरूर चेक करिएगा। और इसके अंदर मैं डालूंगी रूम टेम्परेचर पर दूध। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसको घोल बना लेंगे। इसमें किसी तरीके का लम्स नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा इसमें दूध में और डालूंगी। ये बहुत ही बढ़िया से हमने इसका घोल बना लिया है। इसको अब मैं रखूंगी साइड में। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1 लीटर लिया है दूध और इसको हाई फ्लेम पे करके हम इसे गर्म कर लेंगे। दूध को, दूध पहले से गर्म किया हुआ है और इसमें हम उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है और इस पॉइंट में मैं डालूंगी इसके अंदर 1/2 कप चीनी। और चीनी के घुलने तक हम दूध को अच्छे से पकाएंगे। इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। चीनी हमारे अच्छे से घुल गई है और अब मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी कस्टर्ड पाउडर का घोल। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार हम सारा नहीं डालेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। बचा हुआ बाकी घोल को भी मैं डाल दूंगी। इसे लगातार चलाते हुए मैं 6 से 7 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक ये बढ़िया से गाढ़ा नहीं हो जाए और इसमें किसी प्रकार का कोई लम्स ना रहे। पहले सब ये ठीक हो गया है और इसे 4-5 मिनट तक हम और कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पहले से ठीक हो गई है। बस हमें इतना ही इसे गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। गैस का फ्लेम मैं बंद करूँगी और इसे पंखे के नीचे पहले ठंडा करूँगी। कस्टर्ड को मैंने एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और इसे ठंडा कर लिया पंखे के नीचे। और अब मैं इसे फ्रिज में रखूंगी 4-5 घंटे के लिए। ध्यान रखिए, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो 1 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख लें और इसे ठंडा कर लें। ये देखिए, 5 घंटे के बाद हमारा कस्टर्ड काफ़ी ठंडा हो गया है और थिक भी हो गया है। इसको हम मिक्स करेंगे और अब मैं इसके अंदर डालूंगी फ्रूट्स को। 2 मैंने एप्पल लिया है जिसको मैंने काट लिया है। इसको हम छिलका सहित मैंने कर लिया है, आप चाहे तो छिलका उतार भी सकते हैं। साथ में मैं कीवी डालूंगी, अनार डालूंगी और अंगूर, जिसको मैंने 2 टुकड़े में कर लिया है। इसको हम बहुत अच्छे से अब मिक्स करेंगे। ये देखें, अब बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो ये देखें, तैयार हो गया हमारा कस्टर्ड और अब हम इसे सर्व करेंगे। ये बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नफ्लेक्स डाला है, ये बहुत ही क्रंची टेस्ट देता है कस्टर्ड के अंदर और बहुत ही यमी लगता है। मैंने अब इसके ऊपर एप्पल लगाया है। इसके बाद अंगूर से गार्निशिंग करेंगे, अनार डालेंगे, काजू डालेंगे और थोड़ा सा हम कीवी डालेंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा कस्टर्ड, देखने से ही आ रहा है ना मुँह में पानी। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।